बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर दोज हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा संतियागो का ये ब्यूटीफुल सा एयरपोर्ट। ये देख सकते हैं और काफी गहमा गहमी है यहाँ पे। तो चलें जी एयरपोर्ट देखते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आपका शुक्रिया। ये जो संतियागो का एयरपोर्ट है ना, बड़ा ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल सा है। ये लटाम एयरलाइन है, उसका काउंटर है। और उसके बाद जी ये आप देख सकते हैं कितना वो दूर तक फैला हुआ है। तो बहुत ही प्यारा एयरपोर्ट है जी। अभी यहाँ से ऑनलाइन चेक इन भी करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें। अगर आपने जाके मैनुअली करवानी है तो वहाँ से मैनुअली चेक इन करवा सकते हैं। ये है जी वेटिंग एरिया, यहाँ पे लोग चेक इन करवा के बैठे हुए हैं। मैं भी इधर जरा बैठता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे जाके एयरपोर्ट दिखाता हूँ। तो जी इस एयरपोर्ट पे आपको सिर्फ स्पेनिश ही स्पेनिश नजर आएगी। यहाँ पे लगे हुए हैं जी एयरलाइंस के सालिदास इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल टर्मिनल है, इसी वजह से यहाँ पे एयरलाइंस के एरोप्लेन वगैरह आपको पता चल सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और उसके अलावा जी ये देखें, ज्यादातर जो है वो स्पेनिश ही है, इंग्लिश वो बहुत कम है। कोशिश करें, ये एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा है, इसी वजह से आपको मसला हो सकता है। आप जल्दी से चेक इन करवाएं 3 घंटे पहले, उसके बाद फिर आप जो है वो बोर्डिंग करवा सकते हैं अपनी। इस एयरपोर्ट के अंदर आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नेशनल मिलेंगे और काफी ज्यादा जो है ना रिच नेशनल यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि ये साउथ अमेरिका का काफी बाहर रौनक एयरपोर्ट है और इसी वजह से पेरू, बोलीविया, संतियागो और ऑल ओवर द यूरोप अमेरिका के लोग यहाँ से जो है वो ट्रैवल करते हैं। ये साउथ अमेरिका चिली का वाहिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसी वजह से यहाँ पे रश भी काफी ज्यादा है। ये देखें जी, हम जी नंबर काउंटर पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अभी हमारी लतम एयरलाइन की फ्लाइट LA635 जाएगी। यहाँ से जी बोर्डिंग पास मिलने वाले हैं और हमारा ये इतना ज्यादा सामान है, ये देख सकते हैं लोग ऑटोमेटिकली चेक इन करवा रहे हैं, इतना एडवांस सिस्टम है। यहाँ पे डिफरेंट काउंटर वगैरह बने होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से पता ना लग रही हो तो यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये जो काउंटर बना हुआ था। और इसके अलावा जी यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी आपको मुफ्त में मिलेंगे, मुफ्त में। मुफ्त में नहीं यार, इट्स जस्ट जोकिंग, पैसे दे के मिलती हैं। In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. 'Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Yeah, देखें जी, counters सारे बने हुए PDI के, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के, और इसको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। हाँ जी, इस एयरपोर्ट के अंदर ये ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगी। ये सांता साहब भी खड़े हुए हैं जी, वाह भाई वाह। और इसके अलावा जी ये देखें बाइक कितनी प्यारी है, ये भी ड्यूटी फ्री है, ये शायद डेकोरेशन के लिए रखी हुई है, ये नहीं मुझे पता। और यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह भी हर किस्म की अवेलेबल हैं, आर्मानी की भी, लैनकोम की भी, लोग खरीद भी रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा और ब्यूटीफुल सा एयरपोर्ट है, बहुत ही नाइस है यार, बड़ा पसंद आया मुझे। बट ऐसा है कि चाइना के जो एयरपोर्ट है ना, वो इससे भी अच्छे हैं। ये सारी ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, ड्यूटी फ्री का मतलब है यहाँ पे टैक्स जो है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगता और थोड़ी थोड़ी सस्ती होती है। Lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own. अभी ये देख सकते हैं जी, लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं अपने बोर्डिंग का इंतजार कर रहे हैं कि कब बोर्डिंग गेट ओपन होंगे और फिर ये जाएंगे। काफी बड़ा एयरपोर्ट है यार, मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने का। चिली ये देखें जी, डिफरेंट कलर के अंदर ये नेचुरल किस्म का एक स्ट्रक्चर है चिली का, ये देखें चिले। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हमने इमिग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है और अभी जा रहे हैं जी बोर्डिंग गेट्स की तरफ। यहाँ पे ये एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबा है और इतना ज़्यादा चलना पड़ता है ना, आपकी सोच है यार, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो इसी वजह से हमें जो है वो तकरीबन बोर्डिंग गेट ओपन होने से 1 घंटा पहले ही यहाँ से सारी चीज़ें करवा लेनी चाहिए और सब ओके करवा के फिर जाना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट कितना ब्यूटीफुल सा है, प्यारा सा, यहाँ पे लोग बैठ के एंजॉय भी कर रहे हैं, कैफेटेरिया भी है और ये बच्चे भी घूम फिर रहे हैं। ये देखें जी कैफेटेरिया, बेकरी वगैरह सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ला काब्रेरा, लोग अब इंजॉय कर रहे हैं यार, यहाँ पे लोग बड़े मस्त है, मस्त।
और इस साइड पे जी हमारे प्लेन्स वगैरह लगे होंगे, इतना लेंथी एयरपोर्ट है, लंबा और बड़ा। अभी जी इस पे हम जाएंगे वॉक करते हुए, ये थोड़ा जल्दी पहुंचा देती है ना। ये देखें यहाँ पे लोग बैठ के इंजॉय भी कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं। ये देखें जी बाहर कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और कितना ज़्यादा रश है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एयरपोर्ट के अंदर कितनी चहल पहल हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा हसल बसल है। ये देखें जी अभी टैक्सी कर रहा है हमारा प्लेन, बाहर देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।